एवरीवन जय हिंद आज हम समझेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं तो वो होती है परपोजिव सैंपलिंग परपोजिव सैंपलिंग में क्या होता है ये जजमेंट सैम्पलिंग होती है जिसमें रिसर्चर पर्पजफुली उन पार्टिसिपेंट को इंक्लूड करता है अपने रिसर्च में या उन पार्टिसिपेंट से डेटा लेता है जो गुड इन्फॉर्मेंट्स होते हैं जिनका रिसर्चर को पता है कि अच्छा डेटा देंगे तो रिसर्चर उन पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करता है अब देखो अगर एनालिजी ड्रॉ करनी है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में कहा जाता है कि आप रैंडम सैम्पलिंग करो वो बेस्ट टेक्निक है तभी आप रिजल्ट्स जनरलाइज कर पाओगे अपनी पॉपुलेशन पे लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च का पर्पस ये होता ही नहीं है कि आप जनरलाइज करो अपने रिजल्ट्स को इसका तो पर्पस होता है बस फिनोमिन को समझना तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में रेंडम सैम्पलिंग नहीं करते क्योंकि क्या पता रेंडम सैम्पलिंग की वजह से हमारे पास कोई ऐसा पार्टिसिपेंट आ जाए जो इनडेप्थ डेटा रिच डेटा दे ही ना पाए आपको ठीक है इसीलिए हम जानबूझकर उन पार्टिसिपेंट को इंक्लूड करते हैं जो कि गुड इन्फॉर्मेंस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो इसीलिए लिए परपोजिव सैम्पलिंग यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास रिच एंड थिक डेटा आए और देखो डरने की कोई बात नहीं है कि आपने रेंडम सैंपलिंग को क्यों नहीं यूज़ करी क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम यूज़ ही परपोज़िव सैम्पलिंग करते हैं ठीक है और देखो वैसे भी आपको और कई सारे जस्टिफिकेशंस मिल जाएंगी मेथडोलॉजिकल लिटरेचर में तो ये था आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच बाय